अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में हम लाइनिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आज हमने डिफरेंट लाइंस के बारे में स्टडी करना है। लाइंस हमारे पास बहुत तरीके की होती हैं, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, वो बिल्कुल हम लोग एक मार्जिन लाइन के तौर पर भी यूज़ करते हैं, और स्ट्रेट लाइन्स पर भी। हम लोग आर्ट्स में बेसिकली देखा जाए तो लाइन्स के थ्रू ही हम अपनी आर्ट को क्रिएट करते हैं। एक सिंगल लाइन को, जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, वो एक सिंगल लाइन को किस तरीके से क्रिएटिवली उसको चेंज करके, उसको चेंजिंग्स में ला कर, उसकी कभी कर्व्ड में, कभी डॉट्स में, कभी डैशेस में, डिफरेंट वेज में उसको यूज़ करके, तो उसको अपनी आर्ट को, अपने क्रिएटिव माइंड में को, अपनी एक पिक्चर जो उसमें अपने माइंड में क्रिएट की होती है, उसको क्रिएट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो बेसिक लाइन है वो है स्ट्रेट, एक सीधी लाइन। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड लाइन हिल्स। हिल्स हम लोगों के बेसिकली इस तरीके के होते हैं। हिल्स बेसिकली हम लोग ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे एज अ माउंटेन या चोटियों के बारे में बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये हमने कर्व लाइन, इसको हम एक कर्व लाइन के तौर पर भी इसका नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है ये ज़िगज़ैग के तौर पर भी एक पहचानी जाती है। लेकिन जब इसको राउंड शेप में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिफरेंट वेज में। लाइक हम लोग कभी यहाँ इससे जो हमारे माउंटेन्स होते हैं डिफरेंट सीनरीज में, हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अपनी ग्रास या इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ इस तरह की, वो कर्व लाइन में ये, या फिर वेव्स के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो है डॉट्स। डॉट्स हमारी बहुत ज़्यादा एक जो है ना इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे जो है ना हमारे ये हरूफ तहजी में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, हम अगर हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में कहीं राइटिंग वगैरह करनी है तो हमारे ये डॉट्स यूज़ होंगे। बल्कि हमारे कहीं पे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में, कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से मिलके दरिया बनता है, इस तरीके से ये डॉट्स में हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अहमियत के हामिल है। इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ज़िगज़ैग्स। ज़िगज़ैग लाइन हमारी बेसिकली हम लोग देखें तो वो ट्रायंगल्स का हाफ होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में इसको को इसकी डिज़ाइनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने अगर यूज़ करें वेदर्स में तो एज अ स्टॉर्मिंग वेदर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत वेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, डैशेस पे। डैशेस हमारे जो बेसिकली हमें अपनी पढ़ाई में ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये जैसे डॉट्स हैं वैसे ही हम लोग इन डैशेस को भी डिफरेंट वेज में, मूवमेंट में, डैशेस हमारे ये जो डॉटेड लाइन, इसको बेसिकली हम कहते हैं। इस डॉटेड लाइन्स को हम लोग अपनी जब स्केचिंग करते हैं तो उसमें जब हम अपनी सिंपल जो स्केचिंग होती है नीचे, वो डैशेस लाइन और डॉटेड लाइन के थ्रू ही की जाती है, और उसके ऊपर हम लोग अपनी लाइनिंग्स आउटलाइन वगैरह करके उस अपनी सीनरी को मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास है वो क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स हमारे बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाउड्स की ये जो कर्व लाइन है, ये हमने आप देख रहे होंगे कि ये एक बे शेप की, जिस तरीके से बे लिखा जाता है उर्दू में, उस वे में हमने इसको रेडी किया हुआ है। ठीक है, ये इस वे में हमारी लिखती है। इस पे हम लोग अपने क्लाउड्स रेडी कर सकते हैं, इसमें हम अपने ट्रीज़ रेडी कर सकते हैं सिंपल वे में। इसके अलावा हम लोग अपनी ये क्लाउडिंग की जहाँ पे एक फूला फूला सा वे देना हो, वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लाइक कॉटन के पे भी। इसके अलावा हम अपने फ्लावर्स इससे मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो है हमारे पास, ये है कैसल्स। कैसल्स में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर स्टाइल में, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर स्टाइल में ये लाइन रेडी की गई है। ये यहाँ पर जो यूज़ हो सकती है, इसको कैस्टल लाइन इस वजह से कहा जाता है कि जब हम लोग कोई कैस्टल या फिर कोई हाउस वगैरह रेडी करते हैं तो हम उसके जो रूफ टॉप्स होते हैं, या इस मतलब उसकी जो बाड़ होती है बाहर की,
जो लकड़ी से नहीं, जो सीमेंट या उससे ईंट के साथ जो बनाई जाती है, जिसको हमने शो करना हो तो हम ये लाइन यूज़ करते हैं। तो देखा यहाँ पे ये लाइन भी कितनी यूज़फुल थी। मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, लूप्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ये एल फॉर्म में इनको आपस में अटैच किया गया है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये एल फॉर्म को जॉइनिंग राइटिंग में साथ दिखा गया है, और ये हमारे लिए एज अ ग्रास के तौर पर भी यूज़ होती है। उसके अलावा हम लोग इसको क्लाउड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये लूप्स एंड क्लाउड्स लाइन, ये दोनों हमारी सेम वे में यूज़ होती हैं, और तकरीबन ये दोनों आपस में बहुत हद तक मिलती भी हैं। लेकिन जब हम ड्राइंग में ड्रा करते हैं, यहाँ पर तो थोड़ी इसकी ऊपर की तरफ हमने लूप्स दी है ना, लेकिन ये हमारी जो है ना स्टिचिंग में ये ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ की जाती है, इसलिए हमने इसको लूप्स का नाम दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम वेव्स के ऊपर। वेव्स लाइन जो है हमारी, वो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये वेव्स यानी कि पानी के ऊपर हमारी वेव्स होती हैं। जो ओशन हम लोग रेडी करने या फिर कहीं हम लोग अपना रिवर या कोई भी एक ऐसा चीज़ शो करना चाहें तो हम वहाँ पर इस तरह की वेव लाइन यूज़ की जाती है, शिप के नीचे या इस तरीके से। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट लाइन है वो है माउस ईयर्स। ये यहाँ पर देखिए ये कैस्टल लाइन के की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल लाइन जो थी वो हमारी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर से मैच करती थी, यहाँ पे ये हमारी ओवल एंड सर्कल से मैच करती है। तो इसको माउस ईयर्स इस वजह से कहा जाता है कि देखें, अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखते और ये सिर्फ दो को देखें तो यह इस तरह फील होगा कि लाइक हम लोग किसी माउस के ईयर्स को देख रहे हैं। तो ये लाइन भी हमारी बेसिकली जो यूज़ होती है वो हमारी हाउस मेंटेनिंग में या फिर कैसल मेंटेनिंग में यूज़ होती है। आज ये लाइंस बताने का जो मकसद था इस क्लास में वो ये था कि हम लोगों की अगर देखें तो हम लोगों की आर्ट्स बहुत सारे वेज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ एक आर्ट स्केचिंग कर लेना, किसी की पोर्ट्रेट रेडी कर लेना या कोई सीनरी की पोर्ट्रेट रेडी कर लेना बात होती है, बल्कि आर्ट्स हमारी लाइफ में हर वे में, हर पैशन में, हर प्रोफेशन में, हर जगह यूज़ होती है। आर्ट हमारी लाइफ का हिस्सा है बहुत ख़ास, इसीलिए आज हमने ये एक लाइनिंग्स के थ्रू, ये मैंने आपको बताया कि हम इन लाइन्स के थ्रू कितनी ज़्यादा आर्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।